ये बनाए। ये है बाजरा। बाजरे को पर्ल मिलेट भी बोलते हैं और ये पूरे भारत में बहुत आयत से पाया जाता है। ये एक ऐसा मिलेट है जो कि बहुत सारे पोषण है, इसमें पौष्टिक तत्व हैं, प्रोटीन से भरपूर है। ये ग्लूटेन फ्री होता है और इसमें देखा जाए तो पोटेशियम, मैग्नीशियम और भी गुणों से भरपूर है और सर्दियों के मौसम में स्पेशली ये बहुत फायदा करता है। गांव गांव में पहले तो बहुत ही ये खाया जाता था, अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि शहरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है वहां पे मोस्टली सर्दियों में बाजरे का प्रयोग किया जाता है और इस मौसम में ये खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। और सर्दियों में हम इसका चूरमा बनाते हैं। संक्रांत के आसपास बहुत तेज ठंड होती है और ये फायदा भी करता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त नलिनी। आज मैं बताने जा रही हूँ कि बाजरे का चूरमा कैसे बनाया जाता है। ये सभी जगह भारत में आसानी से मिलने वाला एक ऐसा मिलेट है जो कि बहुत सारे गुणों से भरपूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसमें तीन सिंपल चीजें, सिर्फ तीन ही चीजों का प्रयोग होगा। एक तो बाजरे का आटा, ये मैंने अभी फ्रेश बाजरे का आटा पीसा है। ये आटा मैंने ऐसा पीसा है, मीडियम है, ये ना बहुत ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा बारीक है। मैंने अपनी चक्की में ही घर में पीसा है। दूसरा, इसमें चाहिए गुड़ और इसमें चाहिए घी। ये चूरमा हम लोग गुड़ से बना रहे हैं तो इसमें घी का प्रयोग भी कम होता है। इसका अनुपात मैं बताती हूँ, 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आटे के लिए इसमें पाव भर चाहिए आपको गुड़, यानी कि गुड़ होता है आटे का आधा, और 1/4 आता है इसमें घी यानी कि 125 ग्राम इसमें मैंने लिया है घी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आटे को गूंदने से। तो बाजरे का आटा जो होता है वो अच्छा गूंदे इसके लिए इसमें हल्का सा गुनगुना पानी हम यूज करेंगे और थोड़ा सा मोन मोन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ अभी मलाई। तो सिंपली अभी दूध की मलाई मैंने इसमें डाल दी है। तो जो मलाई डाली थी इसको एक बार मिक्स कर देते हैं इसमें, और इसका आटा गूंदने के लिए मैंने इसमें गुनगुना पानी लिया है और इससे धीरे धीरे करके हम आटा गूंदेंगे। आटा इसमें आप धीरे धीरे पानी डाल के ही गूंदिए। ये बाजरे के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और सभी को मतलब बहुत ही पसंद आते हैं। ऐसे बनते हैं जैसे कि बस मुंह में रखा और पिघल गए। और ये सेहत के लिए भी अच्छा है बाजरा, इस समय खाना जरूर खाना चाहिए सर्दियों में, और टेस्ट में तो मतलब बहुत ही बेहतरीन है, मैं क्या बताऊं। इसको आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ भी बना सकते हैं, तिल डाल के भी बना सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। पर मेन इंग्रेडिएंट्स इसमें ये तीनों ही होते हैं। मैं यहाँ पे आज बिल्कुल सिंपल प्लेन बाजरे के लड्डू बना रही हूँ। बाजरे का चूरमा लोग मोस्टली दो तरीके से बनाते हैं। एक तो बाजरे की रोटी बना के उसको सेक के बनाया जाता है, और दूसरा होता है ये वाला मेथड जो मैं बना रही हूँ। इसमें बाटे बाटे यानी कि बाजरे के जो हैं वो लोए बनाए जाते हैं, उनको बेक किया जाता है या सेका जाता है, या आप गैस तंदूर पे भी सेक सकते हो और इलेक्ट्रिक ओवन में भी सेक सकते हो, और उनको सेकने के बाद उसको पीस के फिर बनाया जाता है। तो आज हम बनाएंगे सेक के। ये हमारा आटा गूंद गया है बाजरे का। इसको इस तरीके से हथेलियों से थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इस तरीके से गूंदा जाता है हथेलियों। अब हम इसके किस तरीके से बाटे बना लेंगे। जैसे जितना बड़ा रोटी का लोया लेते हैं ना अपन, उस तरीके से छोटे छोटे, और इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमने ये शेप बनाई और इसको ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर दिया। सारे बाटे बन के तैयार हो गए। अब ये प्री हीटेड ओवन में मैं इनको रख रही हूं। ये हाई टेम्परेचर पे 220 डिग्री पे मैंने प्री हीट किया है और इसी पे मैं इसको अभी सेकूंगी। 20 मिनट तक इसी टेम्परेचर पे इसको सेकना है, और बीच बीच में इसको अगर पलटना पड़ेगा तो हम इसको पलटेंगे। ये
तो ये अभी ओटीजी हमने चलाया है 20 मिनट के लिए 220 डिग्री पे। ये जो बाटे हैं ये हम 220 डिग्री पे 20 मिनट के लिए सेक रहे हैं और फिर बाद में 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे सेकेंगे ताकि और इसमें अंदर से क्रिस्पीनेस आ जाए। तो इसको करीब आधा घंटा हमको लगेगा। ये टाइम आपके जो भी डिवाइस है उसके हिसाब से प्लस माइनस हो सकता है, ये आधे घंटे से ज्यादा भी लग सकता है टाइम आपको अगर आप तंदूर का यूज करें या माइक्रोवेव का यूज कर रहे हैं। तो ये कभी कभी डिफर करता है, लेकिन सिकाई आपकी ये देखिए कि अच्छे से होनी चाहिए, ये अच्छे से लाल हो जाने चाहिए, दोनों तरफ से ये सिक जाने चाहिए। ये आधा घंटा हो चुका, एक्चुअली आधे घंटे से मैंने 5 मिनट और ज्यादा रखे क्योंकि मुझे लगा कि ये और लाल करने। तो ये अभी हो चुके हैं मेरे, अब मैं इनको वापस से परात में निकाल लूंगी। देखिए इस तरीके से ऐसे लाल लाल सिक गए हैं, देखिए ये अच्छे से लाल इनकी सिकाई हो गई है और ये इस तरीके से फट गए हैं, क्रैक आ गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छे से सिकते हैं तब उसमें ऐसे क्रैक आ जाते हैं क्योंकि बाजरे का आटा जो होता है ग्लूटेन फ्री होता है तो उसमें ऐसे क्रैक आ ही जाते हैं जब वो सिक जाते हैं अच्छे से। बस की सिकाई अच्छी होनी चाहिए। अब हम इनको तोड़ेंगे और ठंडा करके और इनको मिक्सी में पीस लेंगे। एक्चुअली पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि ये ऊंखले में मूसल से पीसे जाते थे, लेकिन अभी ट्रेडिशनल वो सब चीजें तो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हम इसको एक बार पहले थोड़ा सा फोड़ के और ठंडा करेंगे और फिर इसको मिक्सी में पीस लेंगे। अब ये हम मिक्सी के बर्तन में ये तोड़े हुए हमारे जो बाटे थे ये डाल लेते हैं पीसने के लिए। ये देखिए हमारा पिस गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम पूरा पीस लेंगे। ये देखिए मैंने जो पीसा है ना वो बहुत ज्यादा बारीक नहीं पीसा है क्योंकि अगर आप फिर बारीक पीसते हैं तो आपको मोटी छलनी से छानने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैंने इसको बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है, मीडियम ही पीसा है। अब हमको इसमें मिक्स करना है गुड़। अब देखिए ये गुड़ की वैरायटी पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जहाँ पे गुड़ यूज कर रहे हैं हो सकता है वो किसी और टाइप का हो। ये मेरा जो गुड़ है ना वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, मतलब मैंने इसको काटा है लेकिन ये सॉफ्ट नहीं है। तो गुड़ को आप दो तरीके से मिक्स कर सकते हैं, एक तो अगर आपका गुड़ बहुत नरम हो तो उसको कूट के मिक्स किया जा सकता है, लेकिन मेरा गुड़ ऐसा भरभरा है तो मैं इसकी पात बनाऊंगी। पात बनाने से मेरा मतलब है कि गुड़ को घी में पिघलाना, तो यही करेंगे। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, इसमें हम ये डाल देंगे घी जो हमने तोला हुआ है, 125 ग्राम जो घी मैंने लिया है ये मैं इसमें डाल दूंगी और इस घी में हमको गुड़ को पिघलाना है। तो इसमें डालेंगे अब गुड़ और जैसे ही हमारा घी पिघल जाएगा और गर्म हो जाएगा वैसे ही हम इसको गैस को बंद करेंगे, अदरवाइज गुड़ हार्ड हो जाता है। तो गुड़ को बहुत देर तक आपको गैस पे नहीं रखना है, ये आपको याद रखना है। बस एक बार घी को अच्छे से गर्म होने दीजिए। अब ये घी जैसे ही आपका गर्म हुआ, मेरा घी देखिए जस्ट ऐसे इसमें बबल उठने लगे थे गर्म होके, तो मैंने बंद कर दिया है गैस और अब मैं सिर्फ इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी गुड़ को ताकि गुड़ पिघल जाए गैस को ऑफ रखते हुए। ये देखिए गुड़ है ना पूरा पिघल गया है अच्छे से और घी हमारा गर्मा गर्म है। तो हम घी को डालने की अभी इसमें जगह बनाएंगे। ये जो बाजरा बाटे मैंने पीस के रखे हैं इसमें से बीच में मैं जगह करूंगी क्योंकि एकदम से घी गर्म डालेंगे तो मिक्स करना नहीं होगा अदरवाइज हाथ जलेगा। तो ऐसे इसमें जगह बनाइए, खड्डा बनाइए और आप अपना ये घी और गुड़ का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। अब इसको ऐसे साइड से बीच में डालते हुए मिक्स कीजिए, इसको बीच में इस तरीके से लाते जाइए और मिक्स करते जाइए। क्योंकि कंसंट्रेटेड एकदम से गर्म गुड़ इसमें डलेगा ना तो फिर हाथ जलेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से मिक्स किया है। और इतनी बढ़िया खुशबू आने लग गई है जैसे ही अभी ये गुड़ इसमें डाला है बाजरे में, ये गुड़ और घी इसमें मिक्स हो गया। अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। लड्डू आप अपने हिसाब से आपको जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं।
पर ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि आपको अभी लग रहा होगा कि लड्डू मैंने कितना बड़ा बनाया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बस खाते ही जाओ। सर्दियों में खास करके ये लड्डू बहुत ही पसंद आते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और पौष्टिक भी हैं। मीठा भी आपने इसमें गुड़ डाला है कंपैरेटिवली चीनी के, जो कि ज्यादा फायदेमंद भी है और स्वाद भी बहुत बढ़ाता है ये बाजरे का। तो आप एक बार मेरे कहने से बना के देखिए, आप एक बार खाएंगे तो आपको इच्छा होगी कि आप बार बार ये बनाएं। ये स्वादिष्ट बाजरे के लड्डू तैयार हैं, तो फटाफट बनाइए सर्दी इससे पहले कि निकल जाए, सर्दी से पहले कि निकल जाए, जल्दी से ये बाजरे के लड्डू बनाइए और खा के देखिए, आप खाते रह जाएंगे, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो मैं आगे फिर से आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। भगवान जी खा के देखो जरा कैसे बने।